और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। देर रात मुंबई पहुंचे एनसीपी चीफ शरद पवार। 5 जुलाई को शरद पवार ने बुलाई बैठक। स्पीकर 9 विधायकों की अयोग्यता पर फैसला लेंगे। अजीत पवार समेत 9 विधायकों की अयोग्यता पर फैसला। शरद पवार पूरे महाराष्ट्र में करेंगे रैलियां। दिलीप बल से पाटिल के इलाके शिवनेरी में पहली सभा होगी। धनंजय मंडे के असेंबली क्षेत्र में पर्ली में दूसरी जनसभा होगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां महाराष्ट्र की राजनीति के लिहाज से ये बड़ी बैठक जो बुलाई गई है। देर रात मुंबई पहुंचे एनसीपी चीफ शरद पवार। 5 जुलाई को शरद पवार ने बड़ी बैठक बुलाई है। स्पीकर 9 विधायकों की अयोग्यता पर फैसला लिया जाएगा। स्पीकर जो है 9 विधायकों की अयोग्यता पर फैसला लेंगे, जो कि 9 विधायक अजीत पवार के साथ में गए हुए हैं। उनकी अयोग्यता को लेकर फैसला इसमें किया जाना है। अजीत पवार समेत 9 विधायकों की अयोग्यता पर फैसला होगा, उसमें अजीत पवार भी शामिल होंगे। शरद पवार पूरे महाराष्ट्र में रैलियां करेंगे। दिलीप वलसे पाटिल के इलाके में शिवनेरी में पहली सभा होगी। धनंजय मुंडे के असेंबली क्षेत्र में भी पर्ली में दूसरी सभा होगी। महाराष्ट्र की सियासत में जो समय खेल देखने को मिल रहा है, लगभग एनसीपी दो हार हो चुकी है, दो गुटों में बढ़ चुकी है और डैमेज कंट्रोल की कोशिश तो पूरी तरीके से की जा रही है। शरद पवार कर रहे हैं, लेकिन अजीत पवार अलग हो चुके हैं, यानी चाचा भतीजा अलग हो चुके हैं। अब 5 जुलाई को जो बड़ी बैठक बुलाई गई है, उसमें देखना होगा क्या होता है, क्योंकि उस बैठक में 9 विधायकों की अयोग्यता पर फैसला लिया जाएगा। अजीत पवार भी उसमें शामिल होंगे। अजीत पवार की अयोग्यता पर भी फैसला लिया जाना है। अब देखना ये होगा कि ये जो 9 विधायक हैं जो कि अजीत पवार के साथ में गए हैं, जो कि सरकार में शामिल हुए हैं, क्या ये अयोग्य साबित होते हैं या फिर नहीं होते हैं, या फिर अजीत पवार की तरफ से कोई नया दाव अब महाराष्ट्र की सियासत में खेला जाएगा। 9 विधायकों को लेकर फैसला किया जाना है, अयोग्यता पर फैसला किया जाना है। बड़ी बैठक होने वाली है जो कि शरद पवार की तरफ से रखी गई है। शक्ति प्रदर्शन शरद पवार भी लगातार कर रहे हैं, लेकिन अजीत पवार लगातार अपनी जीत पर अड़े हुए हैं।